हाय गाइस, ये देखो हमारे वर्ल्ड के अंदर कौन आ चुका है। ये एक खतरनाक सा व्हाइट घोस्ट, शायद आप लोग इसे जानते ही होंगे, और ये हमारे वर्ल्ड में काफ़ी सालों के बाद आया है। सो ये देखो हमारे वर्ल्ड में आते ही यहाँ पे मेरे घर की तरफ, यानी कि ये मेरा घर तो नहीं है बट ये किसी और का घर है जहाँ पे ये गाइस आया है, और शायद ये इस बंदे को मारने के लिए आया है। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये घर किसका है मेरे को पता नहीं है अभी। शायद ये किसी मॉन्स्टर का घर ही है, बट ये देखो गाइस इसने डॉग को मार दिया है और अब ये इस घर के अंदर एंटर कर चुका है। लेकिन ये क्या, ये घर तो दो की दो मोमो गर्ल का है जो कि यहाँ पे आराम से सो रही हैं। और गाइस मोमो गर्ल को कुछ पता ही नहीं है कि उसके घर के अंदर कौन आया है, और वो देखो वो तो मोमो गर्ल के बच्चे की तरफ जा रहा है, लेकिन नहीं, वो उसका छोटा सा बेबी है, उसको लेके मत जाओ गाइस। ये वाइट घोस्ट जो है ना, वो मोमो गर्ल के बच्चे को लेके कहीं पे जा रहा है, शायद वो उसको किडनैप करने के लिए यहाँ पे आया। और ये क्या, वो मत जा भाई, उसको लेके मत जा, वो छोटा सा बेबी है। नहीं, सो गाइस यहाँ पर देखो, जैसे ही मोमो गर्ल को होश आता है तब वो एकदम से मॉर्निंग होती है, तब वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी नर्वस सी होती है। जब वो देखती है उसका बच्चा यहाँ से गायब है, तब वो एकदम पागल हो जाती है और फिर सोचती है कि मेरा बच्चा कहाँ गया। और फिर गाइस उसे दिखाई देते हैं यहाँ पर खून के निशान जो कि उसके घर के अंदर ही बने होते हैं, और अब वो उन खून के निशान को फॉलो करने के लिए गाइस उन खून के निशान को सूंघने लगती है, और अब वो सोचती है कि शायद उसके बच्चा बहुत बड़े खतरे में। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है, यहाँ पे गाइस साइन बोर्ड लिखा होता है ही स्टोल योर चाइल्ड, मतलब तुम्हारे बच्चे को चुरा लिया गया है किसी ने। और लेकिन अभी तक सॉरी मोमो गर्ल को ये नहीं पता है कि उसके बच्चे को किसने चुराया है, लेकिन उसके बच्चे को चुराया गया उस वाइट घोस्ट ने। सो देखते हैं कब तक इन्हें मालूम पड़ता है। सो गाइस थोड़ी देर के बाद जो वाइट घोस्ट है वो वहाँ पे पता नहीं कहाँ पे उस बच्चे को लेके आ चुका है, और वो किसी वर्ल्ड के अंदर आ चुका है। ये देखो ये खतरनाक सा कोई वर्ल्ड है जहाँ पे ये आ चुका है, और अब ये दोबारा से किसी के घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये घर किसका है ये किसी को भी नहीं पता है। सो गाइस ये शायद, हाँ गाइस ये घर तो हमारा है, देखो हम लोग आराम से सो रहे हैं एलेक्स और मैं, और ये यहाँ पर भी आ चुका है किसी को किडनैप करने के लिए। लेकिन ये आखिर किसको किडनैप करेगा यहाँ पे, किसको किडनैप करेगा भाई तू, किसको वाइट घोस्ट, मत कर ऐसा प्लीज। और ये क्या गाइस, ये तो किसी को किडनैप, ये शायद नूब को किडनैप करने के लिए आया है क्या। इसने गाइस नूब को किडनैप कर लिया, अपने हाथों में उठा लिया है, और अब ये उसको लेके जा रहा है पता नहीं कहाँ पे। लेकिन ये ऐसा आकर कर क्यों रहा है, मतलब ये एक के बाद एक किडनैपर क्यों बनता जा रहा है यार ये। सो गाइस अब जैसे ही मुझे यहाँ पे होश आया, जब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो नूब दोस्त है वो गायब हो चुका है, और जो मोमो गर्ल में कह रही है कि मोमो स्टोल नूब, व्हाट मतलब ये बता रहे हैं कि मोमो ने हमें मोमो गर्ल ने गाइस हमारे नूब को स्टोल किया, बट ऐसा नहीं है, हमारे नूब को तो वाइट घोस्ट ने स्टोल किया है ना, तो ये झूठ कौन बोल रहा है। ओके गाइस तो मैं वाइट घोस्ट की चाल को समझ चुका हूँ। वाइट घोस्ट ने ये पोस्टर यहाँ पे इसलिए लगाया है ताकि हमको लगे कि हमारे जो नूब है उसको वाइस मोमो गर्ल ने चुराया है, लेकिन उसको तो वाइस वाइट घोस्ट ने चुराया है, वो वाइस बहुत ही ज़्यादा चालाक है। ये देखो जो पोस्टर है ये पूरी तरह से फेक है, और वहाँ जो मोमो गर्ल के लिए जो पोस्टर लगाया था ना उस मोमो गर्ल घर में कि स्टीव ने चोरी किया है उसके बच्चे को, तो वो भी एकदम फेक था। सो गाइस अब मुझे पता लग गया कि मेरे नूब को वाइस चुराया है पता किसने, वाइट घोस्ट ने। सो हम लोग जा रहे हैं यार थोड़ा सा देखने के लिए, यहाँ पे खून पड़ा हुआ, तो हम लोग इस खून का पीछा कर रहे हैं, देखते हैं ये खून कहाँ तक जाता है, और अगर ये खून हमको सही जगह पे लेके जाता है तो शायद हम लोग अपने नूब को बचा पाएंगे, वरना बेचारा नूब मर जाएगा। और ये तो हमको यहाँ पे आ चुका है, पता नहीं कौन सी जगह, कौन है ये, ओ मोमो गर्ल, लेकिन तुम्हें क्या हो गया, क्या हुआ मोमो गर्ल, क्या हुआ, बात सुनो, अरे सुनो क्या हुआ मोमो गर्ल, क्या हुआ अबे नहीं, अरे तुम्हें एक गलत फहमी हुई तुम्हें, अरे हमने तुम्हारे बच्चे को नहीं चुराया भाई, तुम्हारे बच्चे को चुराया है वाइट घोस्ट ने, अबे नहीं मोमो गर्ल तुम गलत फहमी में बहुत बड़ी, अरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम लोग क्यों बात नहीं मान रहे हो मेरी बात, तो सुनो मेरी, हम दोनों के बच्चों को, सॉरी हमारे नूब को तुम्हारे बच्चे को उस वाइट घोस्ट ने चुराया है, हम लोग की कोई गलती नहीं है भाई। और ये चिकन यहाँ पे क्यों आ रही है, हे चिकन, हे चिकन है तू यहाँ पे क्या कर रही है भाई, क्या करने आई तू यहाँ पे, कहीं तू वाइट घोस्ट तो नहीं है, मेरे को तो कुछ लग रहा है गड़बड़ है यहाँ पे, लेकिन इसने कुछ छोड़ा यहाँ पे, ये क्या है सेल फोन, बट इसका क्या करें, प्लीज मोमो गर्ल छोड़ दो एलेक्स को, प्लीज मोमो गर्ल उसकी कोई गलती नहीं है, मोमो गर्ल प्लीज प्लीज मोमो गर्ल प्लीज टेक इट प्लीज, ओ शिट गाइस ओके छोड़ दिया है मोमो गर्ल ने, लेकिन उसने उसको ओ छोड़ दिया फाइनली छोड़ दिया, लगता है मोमो गर्ल थोड़ा होशियार हो चुकी है। ओके सो यहाँ पे ये क्या है, ओके यहाँ पे मेरे को फोन मिल चुका है गाइस, मैंने फोन को दे दिया है गाइस मोमो गर्ल को। ओके अब यहाँ पे जो मोमो गर्ल है वो कॉल कर रही है गाइस, किसी से बात कर रही है, देखते हैं किससे बात होती है इसकी।
ओके गाइस, इससे बात तो उसकी हो चुकी है शायद, और अब इसको समझ में आ चुका है कि हमने इसके बच्चे को नहीं चुराया, इसके बच्चे को चुराया गाइस उस खतरनाक से वाइट घोस्ट ने, और हमारे नोब को भी उस वाइट घोस्ट ने चुराया है। तो अभी हम दोनों गाइस एक बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुके हैं, यानी कि मैं एलेक्स और ये मोमोगल, हम दोनों को पता लग चुका कि हमारे बच्चे को गाइस उस वाइट घोस्ट ने चुराया। और ये देखो, ये रहा हमारा नोब और वहाँ पे रहा गाइस मोमोगल का बच्चा। ओके गाइस, हमको नोब मिल चुका है और यहाँ पे मोमोगल को उसका बच्चा मिल चुका है। तो हमने नोब को यहाँ से बाहर निकाल लिया। नोब, तुम ठीक हो ना? तुम्हें किसी ने नुकसान तो नहीं पहुँचाया ना? ओके गाइस, ये बोल रहा है मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। सो गाइस, अब शायद हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए ताकि यहाँ पे कोई आ ना जाए। और वैसे भी गाइस हमको बहुत रात हो चुकी, बट वेट, वो देखो सामने से वाइट घोस्ट आ रहा है। मतलब उसको ये भनक लग गई कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। सो गाइस, वो हमको मारने के लिए आ चुका है, लेकिन जो हमारी मोमोगल है वो फिलहाल उससे फाइट कर रही है अपने बच्चे के लिए। मारो मोमोगल, से मार डालो मोमोगल, तुम बहुत स्ट्रांग हो मोमोगल। ओ माय गॉड गाइस, उसने मोमोगल को मार डाला है। तो क्या अब हम लोग उसे मार पाएंगे? मुझे लगता नहीं है कुछ भी हम लोग मार पाएंगे, फिर नहीं मार पाएंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है गाइस। तो अब हमारा क्या होगा गाइस, हमको ऐसे फटाफट से भागना पड़ेगा। देखो गाइस, मैं तो चाह रहा हूँ भागते हुए सामने बिल्डिंग के अंदर। अगर मेरे को अपनी जान बचानी है तो मेरे को इस बिल्डिंग के अंदर फाइनली भागना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं भागूंगा तो गाइस मैं शायद अभी ही मर जाऊंगा, क्योंकि जो व्हाइट घोस्ट है वो काफी ज्यादा स्पीड में आ रहा है। ये देखो आ गया, ओ माई गॉड, भागो एलेक्स, भागो फटाफट से। ओके, यहाँ पे जीने हैं तो जीनों से ऊपर भागते हैं, और हम लोग जाने वाले हैं बिल्कुल इस बिल्डिंग के टॉप पे, ताकि हम लोग बच पाए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि गाइस जो व्हाइट घोस्ट है वो काफी स्पीड में हमारी तरफ भागता हुआ आ रहा है। उसको सिर्फ गाइस हमसे बहुत बड़ा गुस्सा हो गया है वो, कि हमने उससे उसकी विदाउट परमिशन हम लोग उसकी बिल्डिंग में घुस गए थे। सो वो काफी गुस्से में है, वो आ रहा सामने से। ओ माय गॉड गाइस, एक बहुत ही बुरी खबर है कि जो हमारी जो मोमोगल थी वो बेचारी मर चुकी है यहाँ। तो उनके लिए थोड़ा प्रे करना गाइस प्लीज, उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन हम लोग उनको दोबारा से जिंदा करने की कोशिश करेंगे साइंटिस्ट के पास ले जाके, लेकिन उससे पहले हमको उससे वाइट घोस्ट ने बचना पड़ेगा। सो हम लोग कैसे बचें कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस। वहाँ पे ये क्या है, पैरट? ओए पैरट, हमको बचा ले प्लीज भाई, प्लीज। ओए प्लीज, हमको यहाँ से उड़ा के ले जाए बहुत दूर, वरना हम ये। ओके, यहाँ पे हमें कुछ मिल चुका है गाइस, पता नहीं ये क्या है। एलेक्स, ये क्या मिला तेरे को? व्हाट, ये क्या है बता मेरे को, बता तो भाई। अच्छा, ये कुछ तो है गाइस, काफी बढ़िया सा, एंड शायद ये हमारी हेल्प तो करेगा भाई। वाइट घोस्ट सामने से आ चुका है गाइस, और शायद हम, ओ माय गॉड, मोमोगल को हमने बड़ा कर दिया है। जो हमारी बेबी वाली मोमोगल थी ना गाइस, उसको हमने इस पोशन से बड़ा कर दिया है, और अब उसने वाइट घोस्ट को ओके मार दिया क्या? ओके, उसने वाइट घोस्ट को अपने मुंह में दबा लिया। वाओ यार, इसे कहते भाई साहब बॉडी, मजा आ गया गाइस। वो तो अच्छा हुआ कि, लेकिन ये क्या, अब ये तो हमको ही मार रही है मोमोगल, क्या हुआ तेरे को? हेलो मोमोगल, हेलो, तू दोस्त है हमारी मोमोगल, तू भूल गई क्या अपना यार आना? मोमोगल प्लीज गाइस, मोमोगल हमारी दुश्मन बन चुकी है यार। हमने फालतू में उसे कुछ खिलाया पिलाया भाई, वो इतना बड़ा करा हमने उसे, और वो हमारे ऊपर ही हमको अटैक करने के लिए आ रही है। देखो मोमोगल, हम लोग दोस्त हैं, प्लीज मोमोगल, प्लीज मोमोगल, नो 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 नो, प्लीज 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 मोमोगल प्लीज नो। ओ माई गॉड गाइस, हम लोग गए।